यस थैंक यू सो मच फॉर दिक इन्फॉर्मेशन सो ऑलरेड ट्रेडर्स वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया माई नेम इज़ देव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एज़ यूजल मार्केट्स को एंड मार्केट जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड ये जो ऑफिशियल स्क्रिप्ट आपके यहाँ आप पर दिख रही है वो आने वाले दिनों या वीक्स में क्या पोटेंशियल मूव्स यहाँ पर आ सकते हैं उसके अलावा हम लोग स्टार्ट करें मैं आप बता दूँ आपको मेरे पास उन ट्रेडर्स के लिए अच्छी खबर है जो लोग वेव एनालिसिस या वेव ट्रेनिंग को कम्प्लीट करना चाहते हैं इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनकर अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं सो so, जो ऑनलाइन ग्रुप है सेप्टेम्बर का उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं आप लोग वेबसाइट पर जाकर उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं एंड द रीज़न आपको जो वो ट्रेनिंग कम्प्लीट करना चाहिए उसका रीज़न ये भी है कि इसमें आप जनरल जो वेव एनालिसिस है एल वेव है वो तो सीखेंगे समझेंगे ही पर उसके साथ साथ जो हाईली यूएसपी है इस ट्रेनिंग की जो थ्री यूनिक यूएसपी है उस ट्रेनिंग की वो ये है कि जो वेव का स्टार्टिंग पॉइंट है और जो वेव का एंड पॉइंट हो सकता है वो आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन तीनों मेथड्स का इसका यूज़ हम सालों से कर रहे हैं काफ़ी साल लगे हैं हमें मेथड्स को डेवलप करने में फॉर रेफरेंस के लिए अगर आप लास्ट वीक कोटक बैंक का ये अपडेट देखें मैंने आपको लास्ट वीक ये अपडेट दिया था मैंने आपको बताया था कि कोटक बैंक का ये जो इम्पल्स है ये एक सॉलिड इम्पल्स है और उसके साथ साथ ये जो करेक्शन है इसकी जो फिनिश पॉइंट है वो यहाँ पर है ना ये करेक्शन ही क्यों है ये सॉलिड इम्पल्स ही क्यों है वाई इट्स नॉट एनी अदर वेव बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू ट्राई टू लेबल द लाइक मेनी पॉसिबिलिटीज़ इन द मार्केट द मार्केट डज दिस राइट सो द रीज़न वो इसलिए करता है क्योंकि जो एम्पल्स की आइडेंटिफिकेशन है वो सही नहीं होती है सो वाई दिस क्वालिफाई एज ए इम्पल्स वाई दिस क्वालिफाइज एज ए करेक्टिव स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो अगर ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है भी तो वाई दिस क्वालिफाई कि यहाँ पर एंड होना है यहाँ पर क्यों एंड नहीं हो रहा है यहाँ पर क्यों नहीं एंड हो रहा है या लेट से यहाँ पर क्यों एंड नहीं हो रहा है इसको टैग करने का तो ये सारे सवालों के जवाब आपको ट्रेनिंग में मिल जाएंगे इन द रीज़न आपको इन सवालों के जवाब पता होने चाहिए क्योंकि अगर आप राइट नाउ चेक करो कोटक बैंक को वट कोटक बैंक इज़ एक्चुअली डूइंग द कोटक बैंक इज़ एक्चुअली स्टैंडिंग राइट हीयर तो आज बैंक यहाँ पर खड़ा हुआ है सो नेक्स्ट टाइम ताकि इस तरह के जो मूव्स और रैलीज़ जो पार्टिसिपेशन है यू चेक आउट दिस मूव सो वो आप नेक्स्ट टाइम मिस आउट ना करो सो दैट इज़ द रीज़न एंड देट इज़ द यू एस पी ऑफ द ट्रेनिंग इसके साथ साथ आपको वहाँ पर जो लाइक करिक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं यू नो सच एज प्राइम स्ट्रक्चर जो हम लोग यूज़ कर, करते हैं बहुत रेपटेटिव पैटर्न है इसके साथ साथ एक एल शेप स्ट्रक्चर है वो भी बहुत रेपटेटिव पैटर्न है और उसके साथ साथ अगर लेट्स ए ये वाला ही अगर स्ट्रक्चर है लो तो ऐसा कौन सा स्ट्रैटी और ऐसा कौन सा मेथड यहाँ पर यूज़ करोगे सो so दैट आपके रिस्क मिनिमम हो और पोटेंशियल uh, जो रिवॉर्ड हो वो मैक्सिमाइज हो सके सो so, वो सारी की सारी स्ट्रेटेजीज भी ट्रेनिंग में आपको कंप्लीट मिल जाएगी इसका जो ट्रेन ग्रुप का लिंक है वो मैं आपको uh, इस सेशन के बाद टेलीग्राम पर भेज दूंगा अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा इन ए नटशल वट एम ट्राइंग टू से वट एवर वी नो इज़ कवर्ड इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम सो फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड दो लर्न द वेव एनालिस हैड ओवर टू द वेबसाइट एंड ऑल्सो अगर आप रजिस्टर करते टाइम कूपन कोड वेव यूज करेंगे तो आपको एंट्रीज पर फिफ्टीन परसेंट का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं सो दैट्स द अपडेट फ्रॉम द ट्रेनिंग परस्पेक्टिव अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रॉम दिस वीक आई थिंक इस वीक जो यूट्यूब लाइव है शायद वह हम लोग कंडक्ट ना कर सकें सो so जो आपके क्वेश्चन और क्यूरीज हैं रिगार्डिंग द चार्ट आप चाहें तो यहीं पर पूछ सकते हैं आई एल बी आंसरिंग दैट As well. So without further to do, let's get started with the market update. So market update में क्या हुआ है? Nifty as usual, it's heading towards the new high, new high every time. टाइम जिस तरह से ये सीन सिनारी देख रहे हैं सो लास्ट वीक का अगर आपको यही वाला वीडियो आप देखें तो मैंने आपको बताया कि मैंने मोस्ट ये जो 10 मिनट का वीडियो है मुझे लगता है जिसमें 5 मिनट मैंने बैंक निफ्टी पर ही फोकस किया था सो दैट इज़ द रीज़न आप इस वीक भी अगर चाहें जो पोटेंशियल है वो बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं अगर फ्रेश ट्रेड सेटअप्स की बात करें अदरवाइज निफ्टी तो बहुत इजी है जैसे मैंने आपको बताया वी हैव वेरी स्पेसिफिक वेरी वेरी स्पेसिफिक थ्री डिफरेंट एंड यूनिक मेथड जो आपको कहीं नहीं मिलेगी उसमें वेव का एंड पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट आपको पता होता है एंड जिस हिसाब से सीनारी यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे निफ्टी में अभी भी यहाँ पर डेली पर इस वेव का कोई भी फिनिश पॉइंट नहीं दिख रहा है नाउ वट डज इट मीन इसका मतलब ये रहेगा कि जो वेव है ये पोटेंशियल कंटिन्यू करती रहेगी फॉर दी अपसाइड अगर आप सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग भी पढ़ चुके हैं तो ये ट्रेंड लाइन आप देखो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करो और इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ अगर आप लेवल्स की बात करें तो 17,150 हजार so, सो ये सपोर्ट पर आप नज़र रख सकते हैं सो so, इस सपोर्ट को नज़र में या ध्यान में रखते हुए इस राइट right नाउ जो स्ट्रक्चर आपको इंडाइसिस में दिख रहा है ये एक्चुअली कंटिन्यू करता रहेगा अपसाइड के लिए एंड इवेंचुअली क्या होगा फॉर सम रीज़न दिस एंटायर स्ट्रक्चर विल बी एग्जॉस्टेड और उसके बाद जब ये ट्रेंड लाइन आप पहली बार यहाँ पर ब्रेक करोगे या फिर लेट्स वेर एवर यू आर ब्रेकिंग अगर इन कमिंग डेज में आपका ये जो लेवल है ये ब्रीच आउट भी हो जाते है तो दैट बिकम्स अ कम्प्लीशन ऑफ दिस और उसके साथ साथ आप ट्रेंड लाइन के बाहर आ जाओगे तो फ्रेश एनालिसिस फ्रेश एग्जीक्यूशन और फ्रेश परस्पेक्टिव निफ्टी में आप तभी बना सकते हो अदरवाइज़ आप क्या करो बस ये जो वेव है ये कंटिन्यू अपसाइड के लिए जाती रहेगी अगर रेफरेंस के लिए कोई एक नंबर की बात करें आई मीन टेक्निकली यू एन एन बुल मार्केट राइट तो अगर आप बुल मार्केट में हो तो यहाँ पर द द मेन यू एस पी फॉर द बुल मार्केट होता है द बुल मार्केट डजेंट हैज़ एनी रेजिस्टेंस द बेयर मार्केट डजेंट हैज़ एनी सपोर्ट तो ये प्रोवर्ब है जो मार्केट्स के बारे में है तो मोस्ट प्रॉब्लली यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस का कोई ऐस लेवल तो नहीं है जहाँ पर आप एंटिसिपेट करो कि मैं यहीं पर इस वेव का एंड पॉइंट ढूंढूंगा या फिर यहीं पर मैं इस वेव को शॉर्ट करूंगा बट फॉर द रेफरेंस परस्पेक्टिव अगर रेफरेंस के हिसाब से भी हम लोग वेव को देखें तो 17,450, 400 टेक्निकली 17,400 से लेकर 17,500, सो so ये जो वेव है ये जो नंबर्स हैं सो टेक्निकली आप इस रेंज में इस वेव का अगर अग्रेसिव वन आवर पर शॉर्ट टर्म करेक्शन आपको इस तरह का कुछ एंटीसिपेट करना है तो इन लेवल्स तक आप देख सकते हैं इन वर्ड्स क्या है निफ्टी जब तक इसके ऊपर है तब तक आप ये एंटिसिपेट करोगे विच मीन्स मैग्नेट्स की तरह आप इन लेवल्स की तरफ भागोगे इन द मार्केट इन द कमिंग डेज कमिंग वीक सो निफ्टी से तो ये रीडिंग निकल कर आ रही है ना वेन इट कम्स टू द बैंक निफ्टी नाउ सो लास्ट वीक भी हमने बैंक निफ्टी पर अच्छा आई थिंक अपडेट करा था जिस हिसाब से आई I मीन mean, ये तो पब्लिक स्ट्रक्चर है फॉर एन एग्जाम्पल अगर रेफरेंस की बात करें दिस इज ऑल्सो वन ऑफ़ द रीज़न आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करना चाहिए आई थिंक पब्लिकली तो वेल एंड गुड में आपको अपडेट करता रहता हूँ पर अगर बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रूम की बात करें ये 20 अगस्त का ट्रेडिंग रूम का स्नैपशॉट है यहाँ पर तारीख आपके सामने है बीस अगस्त और यहाँ पर रेफरेंस आप देख सकते हो जब आई थिंक यहाँ पर कुछ बैड न्यूज़ भी है अगर आप मार्केट में ट्रैक करें ना तो एवरीवेयर आपको बुरी न्यूज़ मिल रही थी फाइनेंशियल सेक्टर से ये जो गैप डाउन से यहाँ पे पीस आया था पर उस टाइम ट्रेडर्स को मैंने लाइव सेशन में अपडेट करा था कि व्हाट इज़ अ पॉसिबिलिटी इन कमिंग डेज एंड कमिंग वीक और कौन से लेवल्स आप उसमें देख सकते हैं सो दैट इज ऑल्सो अ रीजन इसके साथ साथ जिन ट्रेडर्स ने ये मिस करा था लेट्स कि अगर आप किसी रीज़न से इसमें पार्टिसिपेट नहीं भी कर सके तो बीस अगस्त को मैंने ये अपडेट करा था उसके साथ साथ छब्बीस अगस्त को दोबारा मैंने आपको एंटिसिपेट करा था ट्रेडिंग रूम में दिस इज द ट्रेडिंग रूम स्नैपशॉट कि बैंक निफ्टी कैन एक्चुअली टैग दिस अ डे बिफोर नेक्स्ट डे पता ये टैग हुआ है और आप यहाँ पर आए हो सो चेक आउट द डेट 26 अगस्त और अगर आप बैंक निफ्टी में जाकर देखो चेकआउट यहाँ पर कि छब्बीस अगस्त को क्या हुआ सो दिस इज ट्वेंटी ऑफ अगस्त जस्ट गो टू द डेली चार्ट एंड दिस इज ट्वेंटी ऑफ अगस्त गो टू दिस 26 अगस्त का कैंडल है चेक आउट द नेक्स्ट कैंडल इट केम बिलो दिस टैक किया नीचे और उसके बाद सीधा अब सही एंड दिस इज वॉट आई अपडेटेड सो जिन लोगों ने यहां से रैली मिस किया है टेक्निकली दे कैन ज्वाइन हियर सो दिस इज द काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम लाइव सपोर्ट सिस्टम असिस्टेंस प्रोग्राम जो ट्रेडिंग रूम की फॉर्म में सभी ट्रेडर्स के लिए अवेलेबल है जरूरी नहीं, नहीं आपके लिए इसके लिए आपको स्टूडेंट बनने की जरूरत है बट जस्ट फॉर द रेफरेंस परस्पेक्टिव सो दैट यू आर इन द राइट साइड ऑफ द मार्केट एट द राइट टाइम सो बाइज करना लॉन्ग करना शॉर्ट्स करना तो करें कहाँ से जरूरी थोड़ी कि आप यहाँ से शॉर्ट देखो राइट right? जरूरी थोड़ी कि यह वेव यहाँ तक आएगा इज इट एनी पॉसिबिलिटी कि यह वेव यहाँ से जा सकता है और ये आपको पहले पता चले ये सत्ताईस तारीख को यहाँ पर आया है छब्बीस तारीख को हम लोगों ने अपडेट किया है सो दैट दैट इज ऑल्सो द सीन स्नारियो एनी सो दिस इज बैंक निफ्टी नाउ दिस इज द पब्लिक सेटअप सो अगेन मेरे पास आपके लिए यहाँ पर यह अपडेट है जिस हिसाब से ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर बैंक निफ्टी का निकल कर आ रहा है मैंने आपको रेफरेंस के लिए आई थिंक लास्ट वीक बताया था इस पब्लिक वेबिनार में कि थर्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड का लेवल कि जैसे ही आप ये ब्रीच करते हो आप लोग यहाँ पर एक एंटिसिपेट कर सकते हो इस मार्केट से एक इस हाइस के लिए राइट ना हो अगर आप मार्केट में चेकआउट करो तो थर्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड ब्रीच आउट हो चुका है इसका मतलब क्या है इसका मतलब सिंपल सा है सो द मी द जिस हिसाब से ओवरऑल स्ट्रक्चर दिख रहा है आई थिंक नेक्स्ट वीक ये जो लेवल है जो अभी तक रेजिस्टेंस था अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ट्रेड करते हैं तो जो अभी तक रेजिस्टेंस था अगर आप चाहें तो उसे सपोर्ट एंटिसिपेट कर सकते हैं और मेरे हिसाब से जब तक आपका ये जो मार्केट है ना थर्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड के ऊपर तक जब तक आपका मार्केट है आप इस वेव से एंटिसिपेट करोगे दिस वन मिनिमम दिस एंड दैट इज वॉट वी आर ऑल्सो एंटिसिपेटिंग फ्रॉम द बैंक निफ्टी परस्पेक्टिव सो ये जो एंटिसिपेशन है हम लोगों की वही है कि एक बार आपने थर्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड के ऊपर अगर मार्केट uh, को सस्टेन कर लिया तो वेल एंड गुड यू वुल बी टचिंग दिस ना ये जस्ट अ सेकेंड काइज या अपार्ट फ्रॉम दैट जिस हिसाब से ओवरऑल स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज वट द पैटर्न शुड डू बट ओवरऑल मुझे इस तरह से सिनारियों से, से और कोई एंटिसिपेशन नहीं दिख रहा है क्योंकि टेक्निकली वट यू हैव डन 36,000 जो लेवल है रेजिस्टेंस का वो आपने ब्रेक कर दिया है उसके ऊपर आपने सस्टेन कर दिया है इन कमिंग डेज एंड कमिंग वीक इफ यू होल्ड दिस लेवल यू विल बी लुकिंग फॉर दिस मार्केट टैगिंग इन न्यू हाई सो दैट्स द हाउ द बैंक निफ्टी लुक्स लाइक नाउ इसमें uh, जो पुश है लाइक लास्ट वीक जैसे मैंने आपको बताया है आई थिंक कोटक बैंक एंड एच डी एफ सी बैंक विल बी द हाइस्ट पुशिंग फैक्टर इन दिस बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर सो दैट इज ऑल्सो द बैंक निफ्टी सिनारी से सपोर्ट के लिए इस मार्केट में टू हंड्रेड का लेवल्स पर नजर रखेगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रजिस्टेंस मेरे हिसाब से इस मार्केट में आज तो रेजिस्टेंस नहीं है पर अगर ये मार्केट लेट से फोर लाइक सम रीज़न मुझे मंडे एंड ट्यूजडे कुछ इन्फॉमेसन एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं देखना चाहूँगा अगर वो इन्फॉर्मेशन लाइक जनरेट होता है तो ही फिर इस लाइक like, uh, इस मार्केट में कोई रजिस्टेंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं सो so, जब तक आप होल्ड करें कोई भी मार्केट में रेजिस्टेंस तो ना देखें एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आज की बात करें तो रेजिस्टेंस देखें भी तो थोड़ा सा लिमिट पर ध्यान दें जैसे मेरे लाइक uh, एग्जांपल like, की बात करें तो ये आज ट्रेडिंग रूम का स्नैपशॉट है सो so, ये इसमें आप देख सकते हो रेजिस्टेंस एंड सेल फॉर द सी वेव सो सेम केस जो सेल होगा एज ए रेजिस्टेंस सी वेव के लिए रहेगा आज के स्नैपशॉट है सो so, अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको आपके लिमिट्स पता होना चाहिए रेजिस्टेंस इंट्राडे के लिए ढूंढ सकते हो डेली ना वीकली पर कोई यहाँ पर अभी एस सच रेजिस्टेंस तो इस मार्केट में नहीं है सो दैट्स द सीन सिनारी फ्रॉम द बैंक निफ्टी परस्पेक्टिव लास्ट टाइम हमने बिटकॉइन बात किया था इट इट वॉज समवेर हेयर राइट नाउ हियर जिस हिसाब से ओवरऑल स्ट्रक्चर बिटकॉइन में दिख रहा है यू आर इन द थर्ड वेव सो पोटेंशियल जिस हिसाब से ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है मैं सरप्राइज नहीं हूँ अगर ये मार्केट आपका एक नया हाई दे देता है तो दैट्स आई मीन टेक्निकली ये क्वालिफाई करता है सो प्लान अकॉर्डिंगली एंड मेरे हिसाब से इस मार्केट में अभी के लिए स्पेसिफिकली इस वीक तो कोई भी सेल ऑन रेजिस्टेंस देखने के बजाय बाय ऑन डिप देखें क्योंकि ये मार्केट एक्चुअली क्वालिफाई करता है ये हाइस को टेकन आउट और मिनिमम अगर करेक्शन आनी भी है लेट्स यू आर इन अ रेंज बाउंड मार्केट सो रेंज बाउंड में भी मिनिमम ये टेरिटोरी आपकी बनती है So, इस टेरिटोरी में अगर साइडवेज भी होना है तो इतना मूव अभी आपके पास बाकी है सो मोस्ट प्रॉब्ली यू विल बी लुकिंग फॉर दिस वेव टैगिंग द हाइज बेट राइट नाउ इन अ थर्ड वेव दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक मेन इट कम्स टू द गोल्ड गोल्ड एंड सिल्वर सेम स्ट्रक्चर सेम सिनारी ओवरऑल टेक्निकली ये क्वालिफाई करता है एज ए करेक्शन सिल्वर में चाहे जो कर लो लेट्स नॉट मिस दिस ऑलरेडी मैंने आपको ट्रेडर्स को अपडेट कर दिया ये बहुत लाइक ओल्ड स्ट्रक्चर है जो कॉम्प्लेक्स पे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है बट मोर प्रॉब्लबली जिस हिसाब से सीन सिनारी दिख रहे हैं जिस लेवल पर सिल्वर खड़ा हुआ है आप इसमें सेल्स आई थिंक अगर सेल करेंगे तो छोटे छोटे पीसेस हैं अवॉइड दिस एक्चुअली जैसे आपकी रेजिस्टेंस देख रहे हो रजिस्टेंस बैंड एज अ मेटर ऑफ फैक्ट जैसे ही आप इसके ऊपर आ जाओगे यू विल क्वालीफाई फॉर देट सेम एज अ कोटक बैंक जिस हिसाब से हमने कोटक uh, बैंक देखा अगर आप कोटक बैंक का भी स्नैप शॉट देखो यहाँ पर सो सेम कैसे आप ये रेजिस्टेंस है जैसे आप इसे ब्रेक थ्रू करते हो आई मीन दीज आर द रजिस्टेंस जिसपे आप लाइक uh, एनालिसिस like, uh, करके नेक्स्ट एंटिसिपेशन यहाँ पर देख सकते हो सो so, इस तरह के एंटिसिपेशन में सिल्वर में ये एंटिसिपेशन आ रही है अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है पर फ्रॉम द स्ट्रक्चर परस्पेक्टिव सिल्वर से यहाँ से क्लूज मिलना स्टार्ट हो रहे हैं सो आई बी नॉट सरप्राइज इफ यू गेट दिस मार्केट टैगिंग द न्यू और दिस हाइज इन द कमिंग डेज एंड कमिंग वीक्स सो दैट्स द सीन सिनार्यू इन गोल्ड एंड द सिल्वर एंड द बैंक निफ्टी इन द निफ्टी बट वैन इट कम्स टू द ऑयल सेक्टर और लेट्स ए यू एस ऑयल और यू के ऑयल वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट जिस हिसाब से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये जो पीस आप देख रहे हो इस तरह के स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखो जरा ये रहा आपका वन टू थ्री ये रहा आपका वन टू थ्री नाउ टेक्निकली जिस तरह से मैं इस पैटर्नस को समझता हूँ टेक्निकली ये हाइज या फिर ये जो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर बनाया है you know, ये नो सेवेंटी ये इसे क्रॉस नहीं करते टेक्निकली ये इसके ऊपर नहीं जाते दैट मीन्स ये एक्चुअली लास्ट पीस है एंड विद इन दिस वीक अगर आप इस रेजिस्टेंस को फेस करते हो तो टेक्निकली आप इस पैटर्न के बेस पर यहाँ पर एक सेल सेटअप देख सकते हो सो so क्वालिफाई अगर आप करना चाहते हैं कि ट्रेंड आप मेंटेन करो इस ट्रेंड के जैसे ही आप राइट right साइड में आते हो एंड स्पेशली ये रेजिस्टेंस के पहले आते हो तो किसी भी मोमेंट पर यह सपोर्ट लगेगा शॉर्ट टर्म सपोर्ट बट दैट मीन्स यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर दिस वेव सो वट स्ट्रक्चर यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू इज अ वन टू थ्री वन टू थ्री एंड दैट विल कंप्लीट एज अ वन टू एंड थ्री सो दैट इज़ द नेक्स्ट पॉसिबल वेव बिलो दिस ऑन दिस स्ट्रक्चर सो ऑयल में अगर किसी को कुछ फ्रेश देखना है तो नेक्स्ट पॉसिबल वेव इज दिस सो दैट्स द सीन सिनारीो बिलो दिस सो दैट्स द अपडेट ऑन द मार्केट आपके फर्दर क्वेश्चन एंड थ्योरीज आप भेज दीजिए आई थिंक ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं आई स्टार्ट आंसरिंग सो द फर्स्ट क्वेश्चन है जी आर इन्फ्रा होल्ड कर सकते हैं क्या सर सो जी आर इंफ्रा अगर हम देखें सो लेट्स लुक एट दैट जी यार इंफ्रा होल्ड कर सकते हैं टेक्निकली जिस हिसाब से ओवरऑल दिख रहा मुझे लगता है इस वीक तो आप होल्ड कीजिए अगर आप ऑलरेडी ट्रेड सेटअप्स में हैं एंड नेक्स्ट वीक दोबारा पूछिए सो विच मीन्स आई थिंक फ्राइडे को कमिंग डेज पे पूछ लीजिएगा दोबारा फिलहाल के लिए जिस हिसाब से ओवरऑल दिख रहा है इट्स को होल्ड किया जा सकता है सो कंटिन्यू होल्ड ऑन टू दैट दैट्स अ गुड वन नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल देव हाउ इज़ योर हेल्थ इट्स गेटिंग बेटर थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग पाकर आपको लाइक थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न नेक्स्ट है आपका टाटा मोटर ऑन वन आवर स्ट्रक्चर टाटा मोटर एंड ऑटो सेक्टर में हमने बहुत अच्छे कुछ सेटअप्स निकाले हैं पर ओवरऑल टाटा मोटर जिस हिसाब से ये डेवलपमेंट में है मुझे लगता है कि इसको नेक्स्ट वीक लगेगा पर अगर आप चाहें रेफरेंस के लिए ये पैटर्न देखो यहाँ पर जैसे आपका ये जो पैटर्न है स्ट्रक्चर है जैसे अगर ब्रेक थ्रू करता है तो फिर आप कुछ एंटिसिपेट कर सकते हैं लेकिन अगर इसके पहले ही अगर आपको कुछ देखना है तो मेरे हिसाब से ये आपकी रेंज है दिस इज योर सपोर्टिव एरिया एंड दिस इज योर पैटर्न राइट नाउ यू आर इन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बाई सेटर्स वी आर नॉट श्योर ऑफ फिट पर अभी के लिए साइडवेज मार्केट विच मीन्स ये जो रेंज है आपकी सपोर्ट सपोर्ट एंड दैट इज़ अ रेजिस्टेंस सो विद इन दिस रेंज आपको डेली एंड वन आवर पर प्ले करना है सो so, अगर आप वन आवर पर फ्रेश ट्रेड सेटअप्स की बात कर रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली इफ यू आर सेलिंग दिस मार्केट दैट्स द रेजिस्टेंस एंड यू कैन सेल दिस मार्केट फॉर दिस काइंड ऑफ करेक्टिव स्ट्रक्चर बट जैसे ही ये करेक्शन कंप्लीट होती है उसके बाद कुछ बड़ा मूव एंटिसिपेट कर सकते हैं सो पैटर्न फॉर्मेशन में है लेट इट गेट्स कंप्लीट एंड विल सी सो दैट्स आई थिंक दिस वन नेक्स्ट है आपका एस आई ई व्यू ऑन एस बी आई फोर आवर इट्स इज़ लुकिंग पॉसिबल टू टेक आउट फोर सिक्सटी सेवन अगेन इन दिस सीरीज सो आई थिंक एस बी आई एन पर क्वेश्चन है सो फोर सिक्सटी सेवन का सीरीज का ब्रेकआउट देख रहे हो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल दैट डिपेंड्स कि बैंक निफ्टी जैसा हमने डिस्कस किया है वो किस तरह से रिएक्ट करता है इन कमिंग डेज इन कमिंग वीक मैंने ऑलरेडी बताया कि जो मंडे का सीन सुना रही हो मंडे एंड ट्यूजडे बहुत स्पेसिफिक बहुत केयरफुल सिनारीू uh, रहने वाला बैंक निफ्टी का डाटा मैं पर्सनली बहुत केयरफुली रीड करूंगा एंड मुझे लगता है कि जिस हिसाब से लेट्स ए बीन इट राइट नाउ जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन दिख रही है अगर उसे कंटिन्यू करता है तो ये मोस्ट प्रॉबली विल बी लुकिंग फॉर टैगिंग द न्यू हाइज और मे बी फोर सिक्सटी सेवन इज़ डेफिनेटली वेरी मच पॉसिबल पर आई थिंक एस बी आई का जो की है ये भी कमिंग वीक में आ जाएगा सो so, वेन्सडे तक ये क्लियर हो जाएगा सो so, एक ज़रा इस पर भी उस तरह से नजर रख सकते हैं सो दैट विल बी दिनारी फॉर दिस नेक्स्ट है आपका सर कैन आई होल्ड इंडस टावर द स्ट्रक्चर व्यू ऑनली वीकली बेस प्लीज ओके सो इंडस टावर इंडस टावर पर वीकली स्ट्रक्चर जिस हिसाब से ओवरऑल स्ट्रक्चर दिख रहा है आई थिंक मेरे हिसाब से इसको डेवलपमेंट में आने दीजिए अभी तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ये पूरा का पूरा पीस अभी डेवलपमेंट में है सो so मुझे लगता है इसको नेक्स्ट वीक दोबारा पूछिएगा मुझे लगता है एक हफ्ता लगेगा और आपका पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा सो आस्क इट बैक नेक्स्ट वीक विल सी हाउ इट बिहेव टिल दैट टाइम दैट्स द यू देर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू प्लीज प्रोवाइड मोर डिटेल्स ऑन योर ग्रुप ट्रेनिंग अबाउट द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आई मीन टेक्निकली एज अ सेट कि एवरीथिंग आई नो इज़ कवर्ड इन द ट्रेनिंग बट अगर आपको फिर भी स्पेसिफिकली कोई सेशन चाहिए तो मे बी ड्यूरिंग द वीक डे आईल कंडक्ट अ सेशन जो आप लाइक uh, लिंक like में आपको ऑलरेडी अगर जो लोग इस मीटिंग को ट्विटर पर देख रहे हैं तो मैं टेलीग्राम पर मोस्टली पोस्ट uh, करता हूँ मीटिंग आई डी जूम आई डी तो आप वहाँ पर उसको ज्वाइन कर लीजिए मैं डिटेल में जो भी आपके क्वेश्चन है वो आंसर उस सेशन में कर दूंगा सो so, जस्ट ये वाला जो सेशन है करेंट ये ज़्यादा लंबा ना हो जाए उस, उसके कारण सो दर्ट्स दिनारी उदय नेक्स्ट है रिलायंस ऑन अ फोर आवर फ्रेश रिलायंस ऑन फोर आवर फ्रेश आई थिंक आज ही इस स्टॉक में न्यू ऑल टाइम हाई लगा है और अगर आपने पुराने कोई वीडियो चेकआउट करे हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों यहाँ पर लगा है आई थिंक बहुत सारे ट्रेडर्स इसमें इस तरह से कुछ प्लान कर रहे थे इम्पल्स ए बी सी एंड डूम सो दिस इज हाउ पीपल आर रिएक्टिंग टू दिस पीस बट आई नो दिस स्ट्रक्चर वेयर ये जो पीस होता है रादर देन लुकिंग फॉर दिस आई थिंक आपको ये देखना चाहिए सो so, मुझे आई थिंक फ्रेश तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ नहीं है फोर आवर पर ऑल टाइम हाई है सेल आप क्यों करोगे जस्ट बिकॉज इट्स टैगिंग द हाइज दैट डजेंट मेक सेंस क्योंकि uh, जिस हिसाब से ओवरऑल वेव चलती है आई थिंक दे हैव सम मोर रूम टू गो एंड डेफिनेटली अगर बाइस की बात करें तो रिलायंस का बाई मैं आपको बता दूँ आई थिंक लेट मी फाइंड द स्नैप शॉट यस आई गॉट इट सो चेक आउट द डेट हियर 28 जुलाई के आसपास सो दिस इज़ वॉट वी आर एंटिसिपेटिंग आज आप नए हाई के आसपास खड़े हैं और मैं रिलायंस पर आई थिंक किसी लाइव सेशन में यूट्यूब के अपडेट करा था कि कुछ न्यूज़ आई है यहाँ पर पर वो न्यूज़ यहाँ पर आई है दिस इज़ हाउ वेव एनालिसिस आपको पब्लिक न्यूज़ के पहले रखता है आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर पता चल जाएगा 28 जुलाई का ये अपडेट है और अगर आप बॉटम की बात करें ये जो कैंडल है ये वाला दिस वन चेकआउट द डेट ऑन द डाउन साइड ट्वेंटी ऑफ जुलाई सो दैट इज द सीन इन सिनारियो दैट्स द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑन रिलायंस तो मुझे लगता है अगर इसमें फ्रेश आपने पूछना था तो या तो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग रूम में होना चाहिए या फिर यहां कहीं पर पूछना चाहिए सो राइट ना ऑफ फ्रेश आई थिंक अवॉइड करें इस वीक के लिए नेक्स्ट वीक शायद दोबारा इसमें कुछ बन जाए सो विल सी किस हिसाब से सीन सिनारियो सेन इन रिलायंस में बन सकते हैं चलिए दैट्स द अपडेट एंड दैट्स ऑल द क्वेश्चन ऑन द्यूरीज चलिए गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन विद दैट साइड Trade with Karen the next week, and I'll see you next time. Thank you so much. Bye bye.